झारखंड सरकार ने झारखंड में शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर बदलाव करने वाली है। बता दें कि राज्य के छोटे छोटे गांव एवं प्रखंडों में पॉलिटेक्निक डिग्री महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का जीर्णोद्वार की तैयारी कर चुकी है। साथ ही बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से साइंस सेंटर बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिससे अब मंत्रियों और अधिकारियों की परेशानी बढ़ सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार अब मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं जमा करेगी, इसका भुगतान अब खुद मंत्रियों को करना होगा। मध्य प्रदेश में 1972 से यह नियम चली आ रही थी कि राज्य सरकार सभी मंत्रियों और अधिकारियों का इनकम टैक्स सरकार भरती थी, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। भोपाल पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भोपाल पुलिस ने साइबर क्राइम कर रहे संगठित गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इंदौर जेल भेज दिया। बता दें कि आरोपियों ने OCTTA ट्रेनिंग नाम की एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी और अपराधी शेयर मार्केट में ट्रेंडिंग के बहाने से ग्राहकों को अधिक मुनाफा दिलाने की बात कर उन्हें अपनी ठगी का शिकार बताते थे। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में मानसून ने दस्तक दे चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 32 जिलों में पहले ही मानसून पहुंच चुका था, जिसमें राजधानी भोपाल इंदौर समेत 43 जिलों में आंधी और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुए कुछ ही महीने ही हुए हैं और खबरें सामने आ रही हैं कि मंदिर के छत से बारिश की पानी टपकने लगी है और मंदिर के जिस हिस्से से यह बात सामने आई है वह मंदिर का गर्भगृह है जहां रामलला विराजमान है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सिंधिया ने लोकसभा चुनाव का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि 99 सीट जीतने वाले उछल रहे हैं, लेकिन उन पर जनता ने विश्वास नहीं जताया। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के कई विधायकों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मामले की जाँच CBCID करेगी। जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच चुने गए, तो रोहित शर्मा से एक सवाल पूछा गया था कि क्या आपके मन में 100 रन बनाना था। टीवी रोहित शर्मा ने बहुत ही साधारण जवाब देते हुए कहा था कि सब जानते हैं कि मेरे लिए माइलस्टोन मायने नहीं रखता। मैं 100 या 50 रन के लिए मैच नहीं खेलता, मैं टीम को जीतने के लिए मैच खेलता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी टीम जीत चुकी है। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रनों से धूल चटा दी। इस मैच में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, जिससे ये मैच उनके हिस्से आया। बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस नियम की वजह से जीतने के लिए 114 रनों का टारगेट दिया, लेकिन लिटन दास की शानदार पारी के बाद भी बांग्लादेश को हार मिली है। भारत अपने शानदार प्रदर्शन और बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उसने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। शुरुआत में भारत ने टॉस हारकर बल्लेबाजी की, जिसमें 20 ओवर में 5 विकेट पर 205 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा। रोहित शर्मा की दमदार और तूफानी पारी ने सभी को हैरान कर दिया था। भारत ने सुपर 8 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बता दें कि इस बार भारत की जीत का सबसे बड़ा योगदान रोहित शर्मा, अर्शदीप और कुलदीप यादव को जाता है। रोहित ने 41 गेंद में 92 रन की तूफानी पारी खेली, वहीं कुलदीप यादव ने मिडिल ओवरों में आकर 2 अहम विकेट चटकाए। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में अंकुरित चना और मूंग को शामिल करना चाहिए, क्योंकि अंकुरित चना और मूंग का रोजाना सेवन करने से सेहत दुरुस्त हो जाती है। अगर आप स्नैक्स के तौर पर रोजाना अपनी डाइट में अंकुरित चने और मूंग दाल को शामिल करते हैं तो इससे आपकी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज स्कैम के बाद फीटजी क्लासेस स्कैम चर्चा में आ गया है। देश भर की तरफ प्रदेश के इंदौर की फीटजी कोचिंग क्लासेस भी बंद हो गई है। दरअसल यहां जेई जैसे अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने का दावा किया जाता था। दिल्ली में पानी की किल्लत अभी भी जारी है। मंगलवार को राजधानी के कई इलाकों से पानी के लिए लंबी कतारें देखी गई। इससे पहले हरियाणा सरकार से पानी छोड़े जाने के लिए अनशन पर रही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आप नेता संजय सिंह ने बताया कि आतिशी की तबीयत खराब होने के बाद उनका अनशन खत्म करवा दिया गया है। अब वो संसद में अपनी आवाज उठाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है और इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में संविधान के प्रति ले रखी थी। राहुल गांधी ने अंग्रेज भाषा में शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने जय हिंद जय संविधान का नारा भी लगाया। राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं।
इससे पहले वह लोकसभा में केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।